आज हमारे पास इको का टायर आया है 155R13 का, जिसमें ये साइड में ये कट लगा हुआ है 1.25 इंची के करीब। इसको आज मैं बनाऊंगा बहुत कम मटेरियल में और अच्छा काम होगा। उसको बनाने के लिए हमें इसको अंदर से घिसाई करनी है, और इसकी तो मैं थोड़ी सी कटाई कर चुका हूँ और एक तरफ की और कटाई करनी है और फिर घिसाई कर दूंगा। इसकी सिलाई कर दी है, अब इसको थोड़ा ग्लैंडिंग कर देंगे। घिसाई थोड़ी देरी तक करनी है। मैं कटाई की है, ये थोड़ा सा चालू, ये अब अंदर से साफ कर देंगे तार वाले ब्रश से, अंदर भी ऐसे ही साफ कर देंगे। और ये रेडियल पंच है, इस कट की जगह पे लगाएंगे, पहले सिलाई करेंगे। ये 10 नंबर है, CT10 नंबर का ये पेंच है रेडियल, इसको हम लगाएंगे अंदर से। दूसरा इधर से ले लेंगे, फिर उसको अंदर दबा देंगे। दिखा चलो, इसको हम इसको ऐसे धागे को ऐसे करके अंदर कर देंगे। या अब इसको फिर वापस हम इसको अंदर डाल देंगे और फिर यह लगा देंगे इंसुलेशन। बाहर से मैं ट्यूब लगाऊंगा, नहीं तो कुशन ज्यादा लगाना पड़ेगा।
बस इसको कटिंग कर देंगे। अब ये अंदर से भी सिलेशन लगा के बंद कर देंगे इसको। हो गया, इसको भी लगा देंगे। इसको दीवार से सपोर्ट कर देंगे और इस प्लग को लगा देंगे। ऑन कर देंगे। मात्र 20 मिनट के लिए इसको मशीन पे छोड़ेंगे और फिर इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, फिर निकाल देंगे। मिनट हो गए हैं, हमने प्लग को निकाल दिया है। अब 20 मिनट के लिए इसको हम छोड़ देंगे इसको ठंडा होने के लिए, फिर खोलेंगे। हो गया, अब इसको हम खोल देंगे। ये देखो, ये अंदर वाला मेल्ट हो गया, पूरा चिपक गया है प्रॉपर सॉलिड। इधर का तो ओके है, अब ये इधर का दिखा देते हैं। ये देखो, ये हमने कुशन लगाया था अंदर, जो रबड़ ऊपर से लगाई थी वो तो चिपक गई सॉलिड, ये कुशन थोड़ा बाहर हो गया है। इसको हम अभी रगड़ देते हैं फिर दिखाते हैं। ये जिधर को ग्लेंडर चलता है उसको इस हिसाब से रगड़ना चाहिए, नहीं तो ये उखड़ने लगता है। इधर से हो गया है, ये बनके तैयार हो गया। अगर मेरी वीडियो आपको सही लगी हो, जानकारी सही लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़। जय हिंद।